अगर आपने मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया है मगर अभी तक आपका वोटर कार्ड नहीं आया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीतापुर में चौथे चरण यानी 23 फरवरी में होने वाले मतदान में आप शामिल होकर मतदान कर सकेंगे, बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग ने 12 विकल्प जारी कर दिए हैं, इनके जरिए आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, इनमें महोली, सीतापुर सदर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिक शामिल हैं। सभी विधानसभा सीटों पर चौथे चरण यानी 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अगर आप मतदाता हैं और किन्हीं वजहों से वोटर कार्ड नहीं बना है तो घबराएं नहीं, निर्वाचन आयोग ने 12 विकल्प दिए हैं। इन दस्तावेजों को दिखाकर आप आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। ऐसा भी नहीं कि कोई भी पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य होगा, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए विकल्प ही मान्य होंगे। आयोग के मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, केंद्र राज्य सरकार PSU पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सर्विस ID कार्ड, मनरेगा जॉब हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड NPR के तहत द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन डॉक्यूमेंट MP, MLA, MLC आदि द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र से आप मतदान में हिस्सा ले सकते हैं।